मम्मा गए हैं हर्ष को लाने और मैंने सोचा कि क्यों ना मम्मा पे प्रैंक करते हैं। सो अभी मम्मा चले गए हैं तो मैं सोच रही हूँ कि मैं ये जैसे घर पूरा एकदम अच्छे से समेटा पड़ा है, लेकिन अभी मैं मतलब पूरे घर को एकदम बिखेर देती हूँ और फिर मैं जो है ऊपर जाकर छुप जाऊंगी। सो मेरे को फटाफट करना पड़ेगा बिकॉज मम्मा कभी भी आ जाएंगे हर्ष को लेकर। मम्मा ज़्यादा देर नहीं लगाते हैं हर्ष को लाने में और मेरे को थोड़ी सी डांट भी पड़ सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है। और तो चलो अभी तो मैं पूरे इस रूम को कर देती हूँ। सो मैं दिखा देती हूँ मैंने कैसे इसको बिखेरा है। कुछ इस तरीके से इस रूम को बिखेर दिया, इस रूम को मैंने ऐसे कर दिया है। और अब लोबी की बारी। यार लोबी में कर ही देती हूँ, करना पड़ेगा, सॉरी बिकॉज मेरा मन कर रहा है मम्मा के ऊपर। ये मैं ज़्यादा नहीं करूँगी वरना साफ करना है ना। और यार ज़्यादा नहीं करते, थोड़ी सी बस ये ड्रॉर्स खोल देते हैं, ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि फिर से जाना भी तो मुझे पड़ेगा अगर मैं ही ये सारा एकदम कर दूँगी तो मुझे जताना पड़ेगा, इसलिए मैं कम नहीं करूँगी। और अभी मैं दिखा देती हूँ लोग भी, मैंने ज़्यादा नहीं करी, मैं दिखाती हूँ आपको। ऐसे अंदर आएंगे, अंदर आते यूँ देखेंगे कुछ लोपी का हाल, फिर जाएंगे मम्मा इस रूम में। इस रूम में जाकर जाके देखेंगे तो मम्मा को दिखेगा कुछ ऐसे। ये भी तो खोल ही देते हैं यार, ठीक है ये ऐसे। फिर मम्मा जाएंगे यहाँ से बाहर इस रूम में, इस रूम में जाकर दिखेगा मम्मा को कुछ ऐसे। लेकिन एक चीज रही गई, ये कर्टन्स, इसे अपन ऐसे कर देंगे तो अपन गेट को खोल देंगे ऐसे, ज़्यादा नहीं। और सबसे ज़्यादा बिखरा हुआ रूम यही है कुछ ऐसा। अपन चलते हैं ऊपर, ठीक है डांट पड़ेगी बहुत गंदी वाली, पता है मुझे, बट देखते हैं भी मम्मा मुझे क्या कहेंगे। और मैं आ गई ऊपर तो चलो अब करते हैं वेट मम्मा का। तो आपको पता है मैंने ना मम्मा को ऐसे कह दिया था कि मम्मा आज आपके साथ मैं प्रैंक करूँगी, तो मम्मा कहते करके तो दिखा मैं तेरे को, फिर देखना इतनी गंदी डांट लगाऊंगी। तो फिर मैंने मम्मा को कहा कि मम्मा आपको लगता है मैं आपके ऊपर प्रैंक कर सकती हूँ। सो वेट करते हैं मम्मा का अब और उनका रिएक्शन। उससे नीचे कुछ ऐसा दिख रहा है, ज़्यादा नहीं दिख रहा, दिखाती हूँ कुछ ऐसा, ठीक है वो देखो सामने हमारी ब्लॉग चल रहा है वो रहा। ये रहा मम्मा आएंगे उधर से, सो देखते हैं। इस मम्मा आ गया तो अभी मैं दिखाती हूँ, बाहर अभी स्कूटी रोक रहे हैं तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ज़्यादा डांटना पड़ जाए। अगर मैं सीढ़ियों पर बैठती हूँ तब जाकर वो सामने गेट दिखेगा, मम्मा दिखेंगे। लेकिन अगर मैं ऊपर जाकर और ऐसे कर कर नीचे भी फ़ोन कैमरा भी करूँगी बहुत नीचे होकर तब दिखेगा। सो मैं तो सोच रही हूँ भी आपको दिखेगा कैसे मम्मा को, मतलब एक 10 मिनट तो लगती है, 10 मिनट थोड़ा ज़्यादा हो गया, 5 मिनट तो मम्मा को लगती है। सो बस वेट करते हैं मम्मा का। किचन मैंने नहीं करी है क्योंकि किचन में ज़्यादातर खाने का ही सामान है और खाने के सामान को नीचे रखना इज़ नॉट ओके, इसीलिए मैंने सिर्फ मतलब जैसे पिल्लोज़ और ये सारी चीज़ें नीचे रखी हैं। मैंने रखी पिल्लो है, मुड्डे, चेयर, वही मैंने नीचे रखे हैं, ज़्यादा नहीं करा, थोड़ा सा ही है।
लेकिन वो तो पता चलेगा ना कि मम्मा का कैसा रिएक्शन आएगा, और हो सकता है फिर मैं वीडियो बनाती बनाती नीचे जाऊँ और मम्मा कह दे, डांट लगा दे और कह दे इसको बंद कर दे। लेकिन ठीक है, देखते हैं। सब तो जी, अब मिलन लाग रहा था रहा हूँ, और आज सुबह थे सारी वीडियो में देखियो ही हो। आज हर्षिल करे बहुत बड़ो प्रैंक मेरे संग है, मेरो तो आ रही हो जी मुको कि के बात होगी छोरी के साग है मुको। मुझे उसमें डांट भी बहुत पड़ी फिर कई और देर ताई तो मैं इन सब रोला करया, एर मुको इया थोड़ी करे करे बावली, मुको मैं एकदम घरे बड़ी एर ताइया कर राख्यो, मेरे तो आ रही हो जी मुको के ठा कुन घरे आ क्यों के बात होगी का। यार आ के मैं तो प्रैंक करण खातर करियो थर सा गए मन्ने तो भाई। ठाओ, हाँ अन तो मन्ने तो फोन ठाओ, करेडो, अन फोन कर दियो कि मैं मम्मा सा प्रैंक करूंगा। ज्यादा डांट पड़े तुमको भी माजी सुन। एर मैं तो यहाँ देखियो खिंडियो मिंडियो तो मेरे तो एर। ऊपर तक खिंडा रखा है हाँ आज तो नहीं, फिर भी हूँ बाद में ना, तो मैं कोई वीडियो शूट करी ना ही बात या जी और त्रिया सी रे ओशा काम करे आजकल टाबर भाई देख लियो गहरिया डरा दी मन तो। एक मैं निखे हो मुको दादा प्रेम नगर को बीपी घट बद जेलो बेंदी हो जेली साहब को हाँ रे कर ले मुको जे भाई एक तो मैंने हिला मरे तो आज जी सामने मेरे तो कितना सच्ची हिला में माइया देख गेर और ही तरिया हो कौन गयो है। कैसे पापा पूछ रहे हैं कितने एलएम है एक्चुअली। एलएम के यार मैं यहाँ देखियो जो दागी नीचे बड़ो तो काम खराब हो गयो दिखाना। आज तो भैया अर्शिल मेरे साथ गए यहाँ करो प्रैंक, और देखो इन देखो के लड़की उठा प्रैंक के वॉशर हो बोली गया वॉशर हो गया प्रैंक तो बाबा यहाँ करे टाबर सारे दिन सच्ची नहीं। मेरे तो नहीं जी कराओ अब आंग दोनों का जी कट्ठा ही पेपर हो जाए यार नहीं एर तो आन भेज बाज दे यार पर कट्ठा का कौन ही वे पेपर ही बिंगी कौन दिया डेट शीट तुझे लगाई है इंगी डेट शीट लगाई है के करा पेपर गया अब के करे जूं बिंगा हो रही आंगा है उंच पिकाले रे कोई के करा के ना करा अंधी हो गई भाई सारा दिन ही परेशान करे सारे ही दिन। ऐ तो चलो आपकी उठ जे ऑफिस के इधर मैं पेंडो वही कही छुट्टा तो दो के तीन घंटा तो स्कूल हो भी जाओ यार मेरी सोचो थे सारे दिन नहीं आए तो बा मचा दिए टिंगर मेरी सोचो थे तो चलो ये अभी कई देर उठ जाओ आपका मुझे तो जाना ही पड़ा है यहाँ तो मैं तो काम से तो जाना ही पड़ा है बाकी वो परेशान नहीं सीख रहे दोनों जना अरे था पढ़ इंगा लेनी इंगा देखो तो पे फोन आ गयो या कोई घरे आ गयो अब अपन का पढ़े ब्लॉग बना जो तो आप सबको रोड़ा पालना है। अब अर्शिल का पेपर हो गया आ फ्री है, अब इंगा पेपर है शुरू हो गया अंगा जी दोनों का कट्ठा ही खत्म हो जाए नहीं तो अन टपा दियो अन टपा दियो और कई दिन तो सांस नहीं मार ठीक है जी। आज वो व्लॉग ओ हमारो सारो क्योंकि आज हर्षिल करियो मेरे पर प्रैंक बहुत खतरनाक और जबरदस्त मुंह ओले छोड़ो ना सारा नींदा लाजी दिखे दुकान हाँ सही बात है। तो ठीक है जी करा आज का व्लॉग वाटी एंड मिला कल एक नया व्लॉग के साथ गए एक नई वीडियो के साथ गए और एक नई नई सुबह के साथ गए। तो जी ठीक है मिलते हैं कल ओ करण लाग गया बन बाद ओ ए नहीं अब छान छान चढ़ गयो है तो मैं करूँ व्लॉग में एंड और मिला कल।
तो थे बढ़िया रही हो और वीडियो लाइक शेयर कमेंट तो वीडियो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करियो और ठीक है जी बाय बाय गुड नाइट नमस्ते शुभ रात्रि।